हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल एसएस इलेक्ट्रॉनिक सॉल्यूशन। कुछ व्यूअर्स ने कमेंट्स किए थे कि सर, जो एनबीएफसी मॉडल है यूटीएल का, इसके ऊपर वीडियो बनाएंगे और इसमें जो ये 50% ब्लिंक करने का, किस किस कारण से 50% ब्लिंक करती है, तो उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। देखिए, हमारे पास अभी दो चार्जर आया था, एक ये रिपेयर होने के लिए ये हो चुका है और उसका काम अभी बाकी है, ठीक है। उसमें मॉस्फेट शॉर्ट है तो उसमें मॉस्फेट भी बदलना है। तो देखिए, 50% क्यों ब्लिंक करते हैं, तो इस चार्जर में कुछ भी फॉल्ट होगा तो ये 50% ब्लिंक करेगी, और कभी कभी कुछ कुछ कंडीशन में 75% भी ब्लिंक करती है ये वाला। तो इसके कारण क्या है, इसके ऊपर जो एक हीट सिंक फ्यूज, जो जिसको क्या बोलते हैं, सेंसर बोलते, लगा हुआ है, वो शॉर्ट हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा, तो तब आपका 75% ब्लिंक करेगी। ये हमने प्रैक्टिकल करके देखा है। तो चलिए देखते 50% क्यों ब्लिंक करती है। तो सबसे पहले जब हमारा 50% ब्लिंक करेंगे सबसे पहले हम देखेंगे इसका एसी फ्यूज को, एसी फ्यूज सही है कि नहीं है। उसके बाद हम जो मॉस्फेट है, अगर आपका मॉस्फेट कोई भी शॉर्ट होगा तो 50% ब्लिंक करेगी। तो हम मॉस्फेट को देखेंगे, मॉस्फेट ठीक ठाक है कि नहीं है, ठीक है। मॉस्फेट के बाद हम जो चेक करेंगे, अगर मॉस्फेट सही है तो इसमें ड्राइव ठीक ठाक से आ रही है कि नहीं दोनों में, तो वो भी चेक करेंगे। अगर दोनों में ठीक ठाक से ड्राइव नहीं आएगा तो आपका 50% ब्लिंक करेगी। उसके बाद जो आती है ये जो पीएफ, अगर ये पीएफ ख़राब रहेगा, फटा हुआ रहेगा, या तो इंटरनली ख़राब होगा, तो 50% ब्लिंक करेगी, ठीक है। देखिए, हमारे पास एक ये पीएफ है, ये कोई फटा हुआ नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी ये पीएफ ख़राब है, ठीक है। तो ऐसे अगर सही है पीएफ, कुछ सही है वो नहीं है, ये अंदर से जब ख़राब होगा आपको पता नहीं चलेगा, तो आपको मीटर से चेक करना पड़ेगा, जो जिस मीटर पर पीएफ को मेजर किया जाता है। उसके बाद 50% ब्लिंक करने का कारण और भी है, ये एमटी ट्रांसफार्मर, कुछ कुछ कंडीशन में एमटी ट्रांसफार्मर ख़राब होता है, मॉस्फेट नहीं उठता है। हम लोगों के दिमाग में ये घुसा हुआ है, अगर एमटी ट्रांसफार्मर ख़राब होगा तो मॉस्फेट को तुरंत उड़ा देगी, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। एमटी ट्रांसफार्मर कभी कभी इस मॉडल में ख़राब होता है, 50% ब्लिंक करती है, आपका मॉस्फेट नहीं उठता है। उसके बाद यहाँ पर जो मॉस्फेट लगा हुआ है ये वाला, ये मॉस्फेट सही से काम नहीं करेगा तो आपका 50% ब्लिंक करेगा। उसके लिए आपको कैसे चेक करना है, इसका जो ड्रेन और सोर्स का जो पिन है वो आपस में शॉर्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद जो 50% ब्लिंक करने का कारण जो रहेगा, अगर ये जो डबल डायोड है दोनों लगा हुआ है, कोई भी एक ओपन हो जाए तो आपका 50% ब्लिंक करेगा, ठीक है। ज़्यादातर यही सब कारण के वजह से आपका 50% ब्लिंक करती है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। और इस चार्जर में खराबी भी कम होती है, क्योंकि इस डिस्प्ले से इसका ड्राइव बोल्ट निकल के एक ट्रांजिस्टर वगैरह होते हुए इसमें जाती है, ठीक है। अगर ड्राइव बोल्ट आपका मिल रही है फिर भी नहीं चल रही है, 50% ब्लिंक कर रही है, आपका ये पीएफ और ये एमटी ट्रांसफार्मर और ये मॉस्फेट और इस साइड का डबल डायोड चेक करना है, ठीक है। अगर गेट पर वोल्ट मिल रही है, ड्राइव वोल्ट मिल रही है, अगर ड्राइव वोल्ट नहीं मिल रही है तो आपको इस पोजीशन में काम करना पड़ेगा, ठीक है। और इस साइड में जो आईसी है आप लोग देख सकते हैं, इस आईसी का काम क्या है, ये वोल्टेज पीएफसी सर्किट के लिए लगा हुआ है, ये वोल्टेज बूस्ट करने के लिए काम करती है, ठीक है। ये जो पीएफसी सर्किट कहने का मतलब, जो वोल्टेज यहाँ पर बनती है, जो बूस्ट होता है, ठीक है, यहाँ पर एक मॉस्फेट लगा हुआ है अलग से, इसमें तीन मॉस्फेट लगा हुआ है, उस सर्किट के लिए ये आईसी है, ये पीएफसी सर्किट का काम में आती है। तो अगर पीएफसी सर्किट में ड्राइव वोल्ट नहीं आ रही है तो आपको इस सेक्शन में काम करना है। तो ये ज़्यादा कुछ नहीं है इस चार्जर में, जैसे एक्जुम वगैरह यूटीएल का ओल्ड मॉडल हो गया है, उसमें काम करना बहुत ही दिक्कत आपको आती होगी, लेकिन उससे भी
सिंपल है ये चार्जर। ये देखने में आपको जटिल लग सकती है लेकिन ये सिंपल चार्जर है, ठीक है। तो ये छोटा सा वीडियो है आप लोगों को थोड़ा सा नॉलेज देने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर।